गाड़ी कर दी है हमने स्टार्ट, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 5 मिनट गाड़ी स्टार्ट रहने देते हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो भाई अभी टाइम हुआ सुबह के 5 बजे हैं पूरे और मैं अपने घर से निकल लिया हूँ। आज लगभग 3 बजे के करीब मैं सुबह उठ गया था और नहा धो के रेडी हो के भाई अपना जो नेपाल की जो अपनी जर्नी है इंडिया से नेपाल वो हमने शुरू कर दी है। तो जो भी रास्ते का व्यू होगा सारा आपको दिखाते चलेंगे। अभी मेरे साथ रास्ते से जाएगा कपिल, कपिल और मैं जाएंगे XUV 300 में, 300 महिंद्रा XUV उसमें जाएंगे हम दोनों। और हम जाएंगे यहाँ से नेपाल काठमांडू, काठमांडू जो है नेपाल बॉर्डर पे हम जाएंगे तो वहाँ हमें एक और फ्रेंड मिलेगा अपना राजेश, वो वहाँ पे आया हुआ है अमेरिका से, उसको मिलेंगे और उसकी परसों की फ़्लाइट है भाई, उसको अलविदा बोल के परसों वहाँ से वापस चलेंगे काठमांडू से। अभी 2 दिन की अपनी जर्नी है नेपाल बॉर्डर से, जैसे हम नेपाल में एंट्री करेंगे वहीं पे हमें को मिलेगा राजेश, उसको वहीं से गाड़ी में बिठाएंगे और वहाँ से चल देंगे आगे काठमांडू की तरफ। वहाँ से भी लगभग 9-10 घंटे का रास्ता है काठमांडू का, तो वहाँ काठमांडू राजेश को छोड़ेंगे, 2 दिन उसके साथ रहेंगे भाई, उसको जाना है फिर अमेरिका USA। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी। अभी यहाँ देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का, अभी मैं हूँ कुरुक्षेत्रा, कुरुक्षेत्रा से मैंने अपनी जर्नी शुरू की है। लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास का हमारा सफ़र होने वाला है जो हम लगभग 2 दिन में तय करेंगे, आज और कल लगभग 2 दिन में तय करेंगे। आज की जो हमारी मेन जो डेस्टिनेशन है हमारा वो है अयोध्या। हम सोच रहे हैं कि आज शाम तक अयोध्या पहुंच जाएं, अयोध्या रुकेंगे जाके, वहां राम मंदिर के दर्शन करके उसके बाद हम कल सुबह वहां से निकल जाएंगे नेपाल के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी भाई। अभी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो बिजली के लाइटों के जो पोल हैं उनको भी भगवे, जो तिरंगा रंग है अपना, जो तिरंगा झंडा है अपना, तिरंगा फ्लैग है उसी की तरह इन लाइटों को भी 3 रंगों से बनाया गया है। देखो नीचे हरी, सफ़ेद और ऊपर केसरिया रंग, 3 रंगों से इन लाइटों को सजाया गया है, इन पोल को सजाया गया लाइटों के द्वारा। वही गीता जयंती का नज़ारा इतना ज़बरदस्त था ना, कुरुक्षेत्र में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कल, यहाँ भाई बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, बहुत ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा भीड़ हमने पहले कभी गीता जयंती में देखी नहीं। कल तो भाई बाहर पूरे कुरुक्षेत्र में गाड़ियाँ पार्क की हुई थी लोगों ने साइडों में खड़क के, और जाम ही जाम था भाई, बहुत बुरा जाम था चारों तरफ, बहुत बुरा जाम था। अभी तो हमारी कुरुक्षेत्र से नेपाल, इंडिया से नेपाल जर्नी शुरू हुई है। तो यहाँ से मुड़ेंगे राइट साइड, यहाँ से ब्रह्म सरोवर इस साइड में, ये देखो चौक का नाम देखो रामायणा, कितना ज़बरदस्त चौक है, महर्षि वाल्मीकि चौक इसे बोलते हैं भाई। और रामायण का जो अपना ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है जो, वो इस पर चौक के ऊपर बना हुआ है। ये सड़क है जो ये जाएगी, लोकल सड़क है भाई, ये मेन सड़क नहीं है जो ब्रह्म सरोवर पर जाती है, ये वो मेन सड़क नहीं है, लोकल है पर जाएगी ब्रह्म सरोवर पर, यहीं से 200 मीटर का डिस्टेंस है सिर्फ, 200 मीटर के बाद अपन लोग पहुंच जाएंगे ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्रा। ये हम पहुंच चुके हैं भाई कुरुक्षेत्रा, ये पुराने पुराने वृक्ष हैं इस साइड में, आप देख सकते हो ये है इस साइड में सारा ब्रह्म सरोवर, यहीं पे गीता जयंती लगी हुई है, बड़ा जबरदस्त सीन है भाई। जिस भाई ने नहीं देखा है आज और कल 5 और 6 तारीख को देख सकता है, क्योंकि 6 तारीख के बाद गीता जयंती जो है वो बंद हो जाएगी। अभी ये है अपनी गाड़ी भाई XUV 300, अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, कपिल ड्राइव करेगा और मैं बैठता हूँ साइड में। अभी हम पहुंचे अभी वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर, ये कैंपी का भाई है, दूसरा बड़ा भाई है कैंपी का, इसके रास्ते जाएंगे हम सीधा, कौन सा एक्सप्रेस है कपिल, वो यमुना एक्सप्रेस वे पर जाएंगे यहाँ से, और इस रास्ते यमुना एक्सप्रेस से लखनऊ होते हुए निकलेंगे नेपाल काठमांडू। तो अभी का सीन ये, अभी टाइम हुआ है सुबह के बजे हैं 7:20 अभी हुई है और घर से निकले थे हम 5 बजे, 2 घंटे 20 मिनट हमें हो गई अभी तक यहाँ पहुँचने में, कंटिन्यू चल रहे हैं लगातार, कहीं भी हमने ब्रेक नहीं लिया। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक लिया था सिर्फ मन्नत होटल पर और अभी कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी।
अभी रुके हैं भाई यमुना एक्सप्रेस वे पर बीच में ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे है जोलीगो फूड कोर्ट, देखते हैं कहाँ पर मिलेगा अच्छा सा खाना। तो ये भी दो दिन रेस्टोरेंट पे घूम के आए, वहाँ पे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। अभी कपिल की पसंद से खाएंगे, कुछ देखेंगे कपिल क्या खिलाएगा। इसी तरह मैं डोमिनोज पे जाऊँगा, कभी कह रहे बिकंदर वाले पे जाऊँगा, छोटा हल्ला है ना, इसी के हिसाब से खाएंगे भाई। कैसा चलते हैं फिर। हाँ चलते हैं भाई, फिर राजेश को मिलना नेपाल में, राजेश मिलेगा भाई हमें नेपाल में, वहाँ बॉर्डर पे उसको मिलेंगे, बॉर्डर पे मिलेगा मेरे को खड़ा हुआ, और हमारे साथ ही जाएगा फिर वो आगे। चलो जी बीकानेर वाले भी, और यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे और कपिल वहाँ खड़ा है काउंटर पे, तो लेके आएगा तो देखें हम कल खाएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे आगे लखनऊ की तरफ। अभी है हम यमुना एक्सप्रेस वे पर, और नोएडा से अभी हम आ चुके हैं लगभग 40 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पे हाई खाने पीने का बहुत अच्छा बनाया हुआ है यहाँ हाईवे के ऊपर ही, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। यहाँ पर कोई स्टारबक्स है, बर्गर किंग है, डोमिनोज है, बीकानेर वाला है, और काफ़ी सारे जो भी फेमस रेस्टोरेंट है सारे यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो भी खाने की जगह फेमस सब कुछ है यहाँ पर, और साथ में पंजाबी डब्बा भी है बैक साइड में। तो अभी गाड़ी हमने अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी थी, और अभी यहाँ पर लगते हैं कुछ हल्का हल्का खाते हैं, उसके बाद चलेंगे, जो भी रास्ते का भी होगा सारा आपको दिखाते चलेंगे भैया। अभी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट यहाँ किया है, और गाड़ी हमारी खड़ी है पार्किंग में, और यहाँ पर साइड में पेट्रोल पंप भी है, सीएनजी पंप भी है, जिसको भी सीएनजी डलवानी हो, पेट्रोल डीजल डलवाना हो तो यहाँ पर आप डलवा सकते हो। और अभी हमने जो ब्रेकफास्ट किया सुबह का, वो किया है बीकानेर वाले पे, बीकानों पे। तो अभी यहाँ से मेरी सामने मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं अभी बर्गर किंग वगैरह सारा कुछ है यहाँ, सारे जितने भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मान लो आप, जितने भी अच्छे अच्छे फूड पॉइंट हैं सारे यहाँ पर हैं, और बड़ा ही साफ़ सुथरा तरीके से इन्होंने बनाया है। अभी बड़ी साफ़ सुथरी यहाँ पार्किंग है, आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी वहाँ उधर सामने खड़ी हुई है। तो यहाँ पर बैठने के लिए लॉन्च भी है, कि पार्क भी है, और काफ़ी अच्छी जगह है। अभी इस रोड से हम जाएंगे हाईवे के ऊपर, मगर यहाँ पहले हम अपना गाड़ी का टैंक फुल कराएंगे, क्योंकि अभी हम चल चुके हैं घर से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। अभी हम चल चुके हैं अभी 300 किलोमीटर के आसपास घर से चल चुके हैं, और गाड़ी का टैंक है वो भी अभी फुल कराएंगे। और ये है सर्विस लाइन, इस सर्विस लाइन से होकर हम वहाँ से आए थे, यहाँ गाड़ी हमने पार्क की, और यहाँ साथ में पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, यहाँ पर सब कुछ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, और पेट्रोल डीजल सीएनजी P95 सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। अभी यहाँ से चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ।
ये टाटा की कौन सी गाड़ी है भाई, एमपी नंबर है गाड़ी का, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, कार लैब। अभी ये हमारी गाड़ी है भाई एक्सयूवी 300, और कपिल यहाँ पर खड़ा, देखो गाड़ी का टैंक फुल कराएंगे, अभी हमने कपिल का टैंक फुल किया है, ये देखो यहाँ टैंक फुल है कपिल। बहुत अच्छी जगह भाई ये, बीच में जहाँ हम रुके देखो, यहाँ स्टारबक्स कॉफ़ी वगैरह सारा कुछ है यहाँ पर, जो भी आप खाना पीना जो भी करना चाहते हो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा। और सामने है वहाँ पेट्रोल पंप, अभी चलते हैं पेट्रोल पंप पर। भैया अभी ड्राइविंग सीट पर बैठो, मैं अभी मैं गाड़ी चलाऊँगा और कपिल बैठा पीछे, साइड सीट मेरी खाली है, कपिल पीछे कह रहा है मैं लेटूंगा थोड़ी देर आराम करूँगा, तो कमल उसने खोल लिया है, वो पीछे बैठा है और अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो चलते हैं देखते हैं बाकी आज का सफ़र कैसा रहेगा अपना अकेला। अभी तक तो कपिल ने गाड़ी चलाई थी और अभी चलाऊँगा मैं। यहाँ पे सामने ही पेट्रोल पंप है भाई, यहीं पे गाड़ी का टैंक फुल कराएंगे अब। वैसे तो अभी दो तीन डंडे की गाड़ी के डीजल के नीचे हुए हैं, पर डलवा लेते हैं यार, आगे पता नहीं कोई प्रॉब्लम कितनी दूर मिलेगा, रुके तो हैं ही यहाँ पे। डीजल कहाँ पे है भाई, तो पेट्रोल का है। Please select the parking mode if you need assistance. अभी भी डीजल गाड़ी में करा लिया हमने फुल, टैंक हमारा फुल है, और दोबारा से अभी हाईवे की तरफ चल दिए हैं, अभी चढ़ेंगे मेन हाईवे पर। यहाँ से वर्कशॉप भी है भाई यहाँ पर, अगर किसी की गाड़ी में कोई दिक्कत आए तो यहाँ पर वर्कशॉप भी है गाड़ियों की। वेलकम टू आगरा, हम भाई पहुँच चुके हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, लखनऊ एक्सप्रेस वे। अभी लगभग 200 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है और अभी हम हैं आगरा एक्सप्रेस वे पर, आगरा एक्सप्रेस वे पर, और यहाँ से हमारी दूरी है जो लखनऊ की, सॉरी लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हैं हम अभी, और लखनऊ की यहाँ से दूरी है लगभग 250 किलोमीटर के आसपास, और सुबह 6 बजे निकले थे, 1 बज गया भाई, लगभग हमने आगरा 100 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, हम लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और लखनऊ से अभी बॉर्डर की तरफ जाएंगे, जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे आसपास रुकेंगे, या अगर अयोध्या चले गए तो देखते हैं, अयोध्या का अगर मूड बन गया तो अयोध्या जाएंगे, अयोध्या कपिल जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, अगर वापसी में देखना है तो वापसी में देखेंगे, नहीं तो फिर सीधा बॉर्डर पे जाके रुकेंगे। धन्यवाद। अभी लखनऊ से रास्ता मिला भाई अयोध्या का, अयोध्या यहाँ से 128 किलोमीटर है। अभी 4 बज चुके हैं शाम के और घर से निकले हमें हो गए हैं लगभग 10 घंटे के करीब, और अभी हैं हम लखनऊ में, और नेपाल का जो हमारा रास्ता है अभी भी 587 किलोमीटर का रास्ता पेंडिंग है, और उसमें जो टाइम लगने वाला है वो लगेंगे 15 घंटे, क्योंकि वो सारा हिल एरिया है भाई। और अभी यहीं आसपास देखते हैं कोई जगह रुकेंगे, एक बार चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद दोपहर को लंच तो किया नहीं, लगातार कंटिन्यू चले हुए हैं, और गाड़ी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा भाई, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। Thank you.
यहाँ रुके थे चाय पीने के लिए, और चाय पी हमने यहाँ लखनऊ में भी। यहाँ से चलते हैं आगे की अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अयोध्या जाके आज रुकेंगे, रात को हमारा जो स्टे है वो है अयोध्या का। टाइम हुआ भाई अभी 6:15 हो चुकी हैं और अभी हम पहुंचे हैं अयोध्या में। अयोध्या हाईवे पे के ऊपर है अभी, और अयोध्या से पहले ही एंट्री से पहले ही हम मन्नत ढाबा है यहाँ पर अभी खाना खाएंगे रात का, क्योंकि आगे हमें पता नहीं कि वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी गाड़ी हमने कर दी अपनी यहाँ पे पार्क। अभी खाते हैं यहीं पे खाना, उसके बाद चलेंगे आगे अयोध्या। अभी अंदर चलते हैं होटल के। अभी खाना हमने खा लिया भाई यहाँ अयोध्या में ढाबे पे, मन्नत ढाबे पे, और अभी यहाँ से चलेंगे हम आगे। जो प्लान था हमारा वो चेंज हो गया, हम अयोध्या नहीं जाएंगे अब जाएंगे यहाँ से सीधे बॉर्डर की तरफ। तो गाड़ी चलाएगा कपिल, मैं बैठूँगा पीछे आराम करूँगा थोड़ी देर। तो चलते हैं यहाँ से भाई, चल चला कर गाड़ी चल। गाड़ी के अंदर पड़ा अपना कंबल भाई, कंबल ओढ़ के बैठते हैं आराम से भाई। अभी मैं गाड़ी में लेट चुका हूँ और गाड़ी में पड़ा देखो मेरे नीचे कंबल है। अभी गाड़ी चला रहा है कपिल, मैं पिछली सीट पे आराम से बैठूंगा, 1 घंटा रेस्ट करूँगा, नींद लेऊंगा पूरी बढ़िया सी, और 10 बजे के करीब कहीं भी जो भी कोई अच्छा होटल मिलेगा रास्ते में वहाँ रुक जाएंगे भाई 9:30-10 बजे के आसपास। ज़्यादा लंबा नाइट ड्राइव नहीं करेंगे, तो अभी देखते हैं। बैठते ही कपिल ने गलती की छोटी सी, कोई बात नहीं, इसके लिए इसको माफ़ करते हैं। अभी करते हैं रेस्ट और जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको लास्ट में बताएंगे। आज हम यहाँ रुके हैं। आज की जो हमारी प्लानिंग थी अयोध्या जाने की वो हमारी कैंसिल होगी, तो हम सीधा गोरखपुर आ गए हैं। नेपाल अभी नहीं गए, गोरखपुर रुके हैं रात को। होटल है लीलागंज, लीलागंज होटल में भी हम रुके हैं, यहाँ रात को यहीं रुकेंगे मैं और कपिल हैं। सुबह यहाँ से निकलेंगे लगभग 6 बजे के आसपास, तो सीधे जाएंगे खुशीनगर साइड से जाएंगे हम नेपाल। तो अभी कपिल बैठा है बेड पे, सोने की तैयारी है, और मैं बैठा हूँ नीचे। एक मैंने एक्स्ट्रा बेड यहाँ लगवाया अभी ताकि आराम से थोड़ा एडिटिंग वगैरह करेंगे और फिर बाद में सो जाएंगे। तो अभी आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल सुबह आपको दिखाएंगे नेपाल की पहाड़ों की वादियाँ, एक से एक सुंदर वादियाँ भाई पहाड़ों की। कल जो शुरू होगी सीरीज अपने नेपाल की, उसमें आपको एक से एक बढ़िया जगह दिखाएंगे। तो आज करते हैं यहीं पर अलविदा, कल मिलते हैं सुबह आपको। जय हिंद।